हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। आज इस वीडियो में मैं अपने सीजीएल का एग्जाम, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरा एग्जाम कैसा हुआ है मैं आपको सेल्फ बताने वाला हूं। क्वेश्चन मैं आपको थोड़े बता दूंगा किस टाइप से आ रहे हैं। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके का आपका एग्जाम जो है आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, मैं आपको ये बताऊंगा मेरे अटेम्प्ट कितने थे। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में है तो जीके के लिए आप क्या तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं जीके में वो 13 अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 25 में से 13 जो है मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप इन चीजों को देख कर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 25 में से आउट ऑफ 25 में से 22 हुए हैं। और उसके अंदर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके के आए थे। तो रीजनिंग जो है बहुत ही ज्यादा इजी था। हाँ, एनालॉजी के 1 से 2 सवाल जो थे वो डिफिकल्ट थे, और ब्लड रिलेशन के जो है वो कोडिंग करके दिए हुए थे। प्लस को बहन कहा जाता है, माइनस को आपका पिता कहा जाता है, इस तरीके से कुछ दिए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन की, रीजनिंग के अंदर निशान चेंज वाले, साइन चेंज वाले जो सवाल होते हैं वो 2 सवाल आए थे, और उनका जो पैटर्न था वो बहुत ज्यादा सिमिलर था। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं किया तो आप इजीली उनकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपके पास कम बचता है। वहीं अगर बात करता हूँ सिरोलिज्म के, तो एक सिरोलिज्म आया था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई सवाल नहीं आया, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं आया आपका। और जितने भी ज़्यादा डिफिकल्ट अगर आपको कुछ लगेगा एग्जाम के अंदर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आपको कोडिंग लगेगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 सवाल आपके ऐसा भी हो सकता है कि फंस जाए, निकल ना पाए। तो उनमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उनको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, मार्क को रिव्यू कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करता हूँ क्वांट के सेक्शन की, तो क्वांट के सेक्शन में 2 से 3 सवाल, या हार्डली आप मान सकते हैं कि 4 सवाल आपके जो हैं डिफिकल्ट हैं, बाकी 20 से 21 सवाल आपके इजीली ड्यूरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई का एक सवाल आज मेरी शिफ्ट में आया था, मेरी फर्स्ट वो थी शिफ्ट, उसके अंदर एक 97 मल्टीप्लाई बाय 103 के लिए आया था कि इसका क्या होगा। और वहीं एक डिवाइडिंग से भी था कि अगर 6 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 3 जो है शेष बचता है। फिर उसके अंदर कुछ इक्वेशन दी हुई थी, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 18 इस तरीके से। फिर उसको 6 से अगर दोबारा डिवाइड करते हैं तो क्या आपका शेषफल या रिमाइंडर आएगा, इस तरीके से क्वांट में सवाल थे। क्वांट के अगर मैं बात करता हूँ तो आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम से, यानी कि चाल और दूरी से आपका एक सवाल था। वहीं आपके आयत और वृत्त से एक सवाल थे। DI से आपके 3 से 4 सवाल थे। सिंप्लीफिकेशन का आप इस मेरे शिफ्ट में कोई भी सवाल नहीं था। हाँ, बात करते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो 2 सवाल थे। ज्योमेट्री से 2 से 3 सवाल थे। ज्योमेट्री के जो सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, बस आप उनको पढ़ के समझ लीजिएगा। जो बेसिक प्रॉपर्टी रहती है किसी चैप्टर के पहले पेज पर लिखी रहती है, उन सब में से आया हुआ था। वहीं अगर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 1 से 2 सवाल थे उसके अंदर, और एवरेज के 2 सवाल थे जो कि DI के अंदर ही थे, और साधारण यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में से 1 सवाल था आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल नहीं आया था। तो ये आपके सामने मैथ का रिव्यू रहा। अगर बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में लास्ट में 21 से 25 तक एक क्लोज टेस्ट था। फिर आपके 2-3 से 4 सवाल आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के आए थे, और जो आपका एरर डिटेक्शन था 3 से 4 सवाल एरर डिटेक्शन के थे, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, ड्यूरेबल थे, बन रहे थे। मेरे अटैम्प्ट जो हुए हैं इंग्लिश में वो 18 हुए हैं, और मैथ में मेरे अटैम्प्ट 22 हुए हैं, और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट 22 हुए हैं। अब बात करते हैं जीके की। जीके में मेरे अटेम्प्ट जो हुए 13 हुए हैं। जीके के अंदर जो आपके सवाल आए थे वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी के डीप हिस्ट्री जो है उससे आए थे। करंट अफेयर के आपके अपॉइंटमेंट वगैरह से एक सवाल आया था। डांस एंड कल्चर से सवाल आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक सवाल आया था। वहीं अगर बात करते हैं कि बुक एंड ऑथर से भी एक सवाल था। तो इस प्रकार के आपके जो हैं रहे हैं। अगर आपको जीके ज़्यादा समझ नहीं आता तो आप जीके पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जी के हो सकता है कि आपको 2-3 सवाल ही हो पाए। साइंस से भी 2 से 3 सवाल थे। एक केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था मेरे अंदर, जो आया था वो वाशिंग सोडे का आया था,
और उसके अंदर साइंस से एक और सवाल भी था, यानी कि साइंस से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इजीली कर देंगे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा देख लीजिएगा केमिकल फॉर्मूले को। ये मेरा ओवरऑल रिव्यू रहा है, ये मेरा अटैम्प्ट रहा है। मेरा अटैम्प्ट जो रहा है टोटल 75 रहा है आउट ऑफ 100 में से। अब एक्यूरेसी मेरी मेरे हिसाब से 100% है, बाकी देखते हैं आंसर की के बाद कितनी एक्यूरेसी रहती है। तो स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।